नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मोबीक्विक जीप के बारे में। तो आप मोबीक्विक जीप का जो बैलेंस है, कैसे आप उसे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, आज हम आपको इस वीडियो में एक नए तरीके से लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाएंगे और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो बनाए हैं। काफी लोग बोलते हैं कि ये पैसा बैंक में ट्रांसफर नहीं होता है, ऑप्शन नहीं आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिनका जीप पे लेटर ओल्ड है उनका काम करता है, जिनका न्यू है उनका काम नहीं कर रहा है। दोस्तों ऐसा लोग बोलते हैं। चलिए दोस्तों हम आज आपको ट्राई करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कैसे होता है। और दोस्तों अगर आप में नहीं होता है तो इसके लिए आपको एक बार कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। एक बार आप पहले इस तरीके को अपनाइए, पहले आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, कहीं भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपना मोबीक्विक को ओपन कर लेना है और जीप वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो पे लेटर का जो बैलेंस है यहाँ पे शो करेगा। दोस्तों मैंने जो है अभी मोबीक्विक जीप से करीबन 20 अक्टूबर के डेट में 1,919.89 मैंने ट्रांसफर किए थे पैड किया ऐप से, और मैंने लाइव वीडियो में दिखाया भी था। बट दोस्तों काफी लोग बोले कि भाई नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज मैं एक दूसरे वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पे मैट्रिक्स, और काफी जेन्युइन वेबसाइट है, फ्रॉड चीटिंग नहीं करती है। तो चलिए हम कैसे करते हैं आपको पहले बता देते हैं। दोस्तों देखिए, आपको ये जीप का जो बैलेंस है पे लेटर का, इसको आपको अपने मोबीक्विक वॉलेट में ऐड नहीं करना है। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन देख रहे हो ऑटो जीप, ए ऑन ऑफ यहाँ से करने का ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको पैसा अगर बैंक में ट्रांसफर करना है तो ओनली आपको क्या करना है, इस वाला जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करके ओनली इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल कर दोगे तो इनेबल करने के बाद आपको दोस्तों छोड़ देना है, और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ वेबसाइट के ऊपर, सारा प्रोसेस आपको वहां से करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो इनेबल कर दिया है, आपको ऐसे इनेबल करना है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा ऑटोमेटिक इनेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे देखो मैं पे मैट्रिक्स के वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये वेबसाइट जेन्युइन है, बहुत दिनों से काम कर रहा है, मैंने काफी वीडियो बनाए हैं, फ्रॉड नहीं करता है। इस वेबसाइट का पॉलिसी ये है कि आपका जो पैसा है वो करीबन 2 से 3 दिन लगता है, संडे सैटरडे नो काउंटिंग, और ये पैसा आपको अपने ही अकाउंट में नहीं लेना है, अपने पापा मम्मी दोस्त फ्रेंड किसी और के अकाउंट में पैसा आपको लेना है। दोस्तों यहाँ पे जब आप मोबीक्विक की वेबसाइट पे आओगे तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पासवर्ड से आपको साइन इन करना पड़ता है, और इसके बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों देखो एक ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है बिल पेमेंट का, तो आपको बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने अपना अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे अकाउंट नंबर आप ऐड कर लोगे तो फिर से आपको वहां पे पैसा भर के आपको पे नाउ करना है। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसीलिए थोड़ा सा स्लो खुल रहा है, तो यहाँ पे खुल गया। तो अगर आपको नया अकाउंट नंबर ऐड करना है तो ऐड बिल पे क्लिक करके आपको सारा अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड फिल कर लेना है। फिर आपके सामने देखो ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सब कुछ फिल करके आपको पे नाउ करना है। तो यहाँ पे हम जो है देखो अभी हमारे मोबीक्विक में 100 रुपया मैंने उसमें डाला है, क्योंकि अभी बिल पे करने का टाइम नहीं आया था। तो अगर आप इससे बड़ा अमाउंट करोगे तो आपका चार्ज कम लगेगा, छोटा अमाउंट करोगे तो चार्ज थोड़ा अधिक लगेगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ 100 रुपया कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो मैं आपको एक छोटा सा अमाउंट कर रहा हूँ। ट्रस्ट मानो, मैं किसी प्रकार का गलत चीज आपको नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो है मेरा चार्ज भी कटेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं 80 रुपए यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैंने 80 रुपया कर दिया, अब मैं पे नाउ कर रहा हूँ। जैसे मैं पे नाउ करूंगा तो ये मुझे लेकर चला जाएगा पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे देखो मुझे चार्ज के बारे में बताया गया है। अब देखो आपके सामने देखो लिखा है मोबीक्विक, यहाँ पे ऑप्शन है ना, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको
पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे ये आपको लेकर चला जाएगा डायरेक्टली जो है आपके जो मूवी का जो वेबसाइट है वहां लेके जाएगा आपको, जो मूवी का नंबर है उससे आपको लॉगिन करके आपको अंदर जाना है और ओटीपी आएगा। चलिए वहां भी लेकर चलते, देखो यहाँ पे खुल गया, थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसके लिए सॉरी, थोड़ा आप लोग इसके लिए बुरा मत मानना, थोड़ा से बहुत नेटवर्क स्लो है, खुल रहा है, मैं वीडियो को पुश नहीं करूंगा यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, खुल रहा है, सॉरी मैं थोड़ा से अपने दूसरे वाले सिम से नेटवर्क चेंज करता हूं क्योंकि इससे बहुत स्लो चल रहा है, जस्ट सेकेंड, पे नाउ करता हूं, जैसे पे नाउ करूंगा अब देखता हूं कि ये फास्ट खुलता है कि नहीं खुलता है, मैंने नेटवर्क अपना चेंज कर दिया है, हाँ खुल गया। अब देखो यहाँ पे आपको रजिस्टर नंबर डालना है जो मूवी क्लिक का है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना, ओटीपी आएगा फिर आपको सबमिट करना है। तो फटाफट पहले मैं नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, आ गया है, अब मैं सबमिट लाइव कर रहा हूँ, मैंने सबमिट कर दिया। देखो जैसे मैंने सबमिट किया आप देखो आपके सामने ये हमारे जो वॉलेट है मूवी क्लिक का उसमें 100 रुपया बैलेंस है और 1 रुपया हमारे वॉलेट में बैलेंस था। अब देखो यहाँ पे शो कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो अब मुझे यहाँ पे पे नाउ करना है। पहले मैं आपको एक बार प्रूफ दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि भाई आप फ्रॉड कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पे अपना मूवी क्लिक में लेकर चलता हूँ, यहाँ पे देखो 101 रुपये है क्योंकि इसमें कुछ पैसा बचा था, 1 रुपया बचा था। आप लोग देखो यहाँ प्रूफ देख लो, क्योंकि मेरा 2000 लिमिट है, बाकी मैंने खर्च कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे नाउ कर देता हूँ। अब जैसे मैं देखो यहाँ मैं पे नाउ करूंगा तो ये पैसा कट के चला जाएगा पे मैट्रिक्स, देखो यहाँ पैसा कट गया, देख सकते हो यहाँ पे। अब ये पैसा हमारा 2 से 3 दिन बाद हमारे अकाउंट में आएगा, वो भी संडे सैटरडे नो काउंटिंग, अगर संडे सैटरडे आएगा तो पैसा आपका लेट जाएगा, बट जेन्युइन वेबसाइट है, फ्रॉड नहीं करती है। अगर पैसा रुकेगा मुझे कमेंट करना, मैं जो है आपका जो पूरा सपोर्ट करूंगा और कस्टमर केयर नंबर भी दूंगा, तो आपको डरना नहीं है, आप कीजिए। और दोस्तों अगर आपका नहीं होता है तो एक बार आप कस्टमर केयर में कॉल कीजिए मूवी क्लिक का। देखो मैंने आपको लाइव दिखाया, फ्रॉड नहीं किया मैंने, अभी मेरा जब पैसा पूरा बिल पे कर दूंगा तो मैं और बड़ा अमाउंट दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि फेक वीडियो बना के ज्यादा दिन तक मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि जो चीजें बताऊंगा सत्य बताऊंगा और अपने दम पे वीडियो बनाता हूं, किसी का कॉपी करना मैं कभी ये सब काम नहीं करता हूं। दोस्तों ये सच्चाई थी जो मैं आपको शेयर किया हूं, बताया हूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।